Man. आदित्य वर्धन, अमित, रोहित जांगड़ा साहब, योगेश गेमर, कीर्ति भारती, पता नहीं कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती, कोई अता ना पता, वर्षा, विनय चौधरी, आशी माशी, अनिल राठी, सत्येंद्र तिवारी, सतीश विश्वकर्मा, लकी कबूतर, दीपू चौधरी, सत्येंद्र तिवारी, प्रियंका टाउट्रोन, और ये पता नहीं कैसे कैसे नाम लिखे रहते हैं, प्रिंस शर्मा, आकाश सिंह, आ जाओ तिवारी जी, सचिन, अभिषेक कुमार, दीपांशु, साध्वी मिश्रा, हाय साध्वी, शिवानी, वर्षा, लाइक कर दो सभी के सभी, वर्षा का आदेश है, वर्षा का आदेश नहीं मानोगे तो सही नहीं रहेगा, सिमी कौशिक, द सुपर गर्ल फ्रॉम सुपर पंडित फैमिली, रिया, विकी ठाकुर, शिल्पा, शिल्पी, राधा पांडे को, राधा पांडे, आकाश सिंह, विशाल, महाराणा प्रताप, बहुत बढ़िया जी, जुड़ गए, काजल राजवंशी, वाओ ये भी कौन सा वंश आ गया, लकी कबूतर, रवि मिश्रा, वरुण, ऋषि सुनुक, आकाश, स्नेहा, सौरभ गर्ग, सौरभ गर्ग तो यहीं बैठा है, सीमा, वेरी गुड भाई, एंथोनी, वेरी गुड, कायरा, हाय शुभम छिल्लर, तूने नाम चेंज कर दिया अपना, शुभम छिल्लर की जगह स्टडी विद शुभम, वेरी गुड, ए तोशे, हाय तोशे, कैसी है तू तोशे, सिमरन शर्मा, मुस्कान, मुस्कान, भूमिका, प्रवीण, अनु शर्मा, दीपू चौधरी, सुजाता रावत, अपूर्वा जोशी, राहुल मैचू, राहुल आज कहाँ रह गया भाई, उत्तम द सुपरमैन, कमल देव, राम सेवक, रोहन, काजल चौधरी, सभी को गुड इवनिंग भाई, सुसंध्या, जय श्री राम, जय बम बम भोले, हर हर महादेव। आज ये हमारे सामने फिर से एक सेट लेकर के आए हैं, 16 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 में ये पेपर हुआ था, और उस पेपर का इंग्लिश वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके, करेंगे भी, एक पार्ट में मैथ्स रीजनिंग होता है, मैथ्स जीके कल हम कर चुके हैं, रीजनिंग हो चुका है, और ये आज ये बच गया लास्ट पार्ट इंग्लिश। आज फिर ये शिफ्ट 2 के हम सारे के सारे क्वेश्चन हम निपटा देंगे, यानी के 100 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब देखते ही देखते देखा जाए, आज और कल को मिला दिया जाए तो 100 क्वेश्चन हो गए, और जो कर रहे हैं उनके 100 क्वेश्चन पक्के हो गए। और सबसे बड़ी चीज है, जो आज हमने टेस्ट लिया था, और जीके के भी मैक्सिमम बालकों के वो गलत है, बताओ भाई, जो आज टेस्ट लिया था और कल वाला ही कहीं है तो चीजें, तो बेटा ध्यान दो, और मैं बार बार कह रहा हूं, इस बोर्ड से बाहर पेपर ना मिलने का, नहीं मिलने का, नहीं मिलने का, अपना लगे रहो। 100 क्वेश्चन हमारे 2 दिन में कर गए, अब 10 जनवरी के बाद पेपर स्टार्ट है, तब तक हमारा 2000 प्लस क्वेश्चन हम इस उसमें इस सेशन के लिए हम करेंगे, जीडी के लिए। जैसे जीडी का खत्म करके हम जुड़ जाएंगे भाई किसमें, सीएचएसएल वाले में, फिर इसके सारे के सारे निपटाएंगे। तो ये प्रोग्राम जब तक परमात्मा साथ देगा वो चीजें रहेगी, तो ये चलता ही रहेगा, नॉन स्टॉप। तो अपने लगे रहो, ताकि इसमें हमारी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से होगी, स्पीड होगी। और ये करने से पहले केवल आप कहानी मत सुना करो, खुद पेन पेपर लेकर के बैठा करो, सोल किया करो, मैथ्स की क्लास हो या
रीजनिंग की क्लास हो, इंग्लिश की क्लास में अपना दिमाग लगाया करो, जीके की क्लास में भी दिमाग लगाया करो, सुन लिया करो कहानी। चलो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तब तक ये खुशी उपाध्याय भी आ गई हमारे सामने, सत्येंद्र तिवारी, 500 सब्सक्राइबर बढ़ गए, बहुत बढ़िया जी, बढ़वाओ सारे के सारे, और बढ़वाओ 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 बढ़वाओ। एक चीज और है, मैं यहाँ पे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बात बता रहा हूँ, जो भी बीएस कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ है, आई गारंटी किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, किसी को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, किसी को नौकरी लगवाएंगे लेकिन रोजगार सभी को दिलवाऊंगा, आई गारंटी, बेरोजगार किसी को नहीं छोड़ूंगा, बस शिद्दत से अपने लगे रहो। चलो भाई सबसे पहले क्या लिखा हुआ, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom। idiom का मतलब हमारा पता क्या होता है, मुहावरा। ये मुहावरा आपके सामने idiom दिया हुआ है, इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, टू बी ऑन द सेम पेज। टू बी ऑन द सेम पेज मतलब कि भाई जो सामने वाला कह रहा है आपको भी उसी के अनुसार अपनी सहमति जताने के लिए यूज होता है। टू बी पब्लिश्ड, ये तो बकवास की बातें होती है, तो बकवास की बातें इसमें लिखी हुई यहाँ पे। आगे क्या लेगा, टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर सेज, दूसरे क्या कहते हैं उसको समझ से मतलब नहीं है, इसको यहाँ पे क्या कह रहा है, जो वो कहना चाह रहा है उस चीज को लेकर के अग्री करवाना, यानी कि टू अग्री ऑन समथिंग, किसी चीज के लेकर के आप उसके प्रति क्या होते हो, अग्री होते हो, तो क्या हो गया, टू बी ऑन द सेम पेज मतलब टू अग्री ऑन समथिंग। समझ में आया भाई, पक्की बात है। चलो भाई सेकेंड नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए ये एक वर्ड दे रखा है, एक सेंटेंस सा दे रखा है आपके सामने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वन हु कलेक्ट्स क्वाइन, जो क्वाइन को कलेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपके सामने चार हैं, एक क्या है, फेडलिस्ट, न्यूमिसमेटिस्ट, फिलाटेलिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे इसमें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हमें पता है ये भाग्य से रिलेटेड वो चीजें होती है, और ये होता है जो हमारी स्टैम्प कलेक्टर के लिए यूज करते हैं, और ये होता है हमारा कहीं ना कहीं मानव विज्ञान के लिए। तो फिर हमारे पास कौन सा एक बच गया भाई, न्यूमिसमेटिस्ट, न्यूमिसमेटिस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, न्यूमिसमेटिस्ट। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत है, वेरी गुड। जिस जिसने सी को लगाया है अपने लिए, जहां कहीं बैठे हैं मेरी तरफ से ताली बजा दो और अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि मैं पीठ थपथपा रहा हूं तुम्हारी, लो भाई ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है सवाल नंबर 3 और 4, 5 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, केवल 3 और 4 को एक बार समझ करके, 3 और 4 आपके सामने है, आपके सामने कुछ सेकंड का वक्त है, इसको सोल्व करने का प्रयास करना और सोल्व करके मुझे उत्तर भेजो भाई इसके। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। जैसे कि जब सचिन बैटिंग करता था, ऑल द स्पेक्टेटर क्या हो जाते थे, गोट स्पेल बाउंड, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये इसके सिनोनिम है, तीनों के तीनों जो वर्ड हैं इसके क्या लगभग सिनोनिम है। हमें पता अमेज्ड भी उस चीज के लिए यूज होता है, और एंथ्रेल्ड भी और कैप्टिवेटेड भी, ये तीनों के तीनों बेटा इसके सिनोनिम है, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा डिसएंचेंटेड बनेगा। समझ में आया नहीं आई, 4 नंबर करो भाई, 4 नंबर, ये आपके सामने ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, और ये मैंने कल परसों की क्लास में ही ये करवाया था, वर्ब का क्वेश्चन है, वर्ब का एरर है, इसमें जल्दी एरर बताओ, कल या परसों भी मैंने बताया था, कल की या परसों की क्लास में, पेट देखभाल के लिए लुक एट होगा या लुक आफ्टर होना चाहिए, तो यहां पे क्या होगा,
लुक एट नहीं होगा सर, इसका आंसर क्या होना चाहिए? लुक आफ्टर, मतलब कुत्ते के ऊपर नजर थोड़ी रखेंगे, कुत्ते को देखेंगे थोड़ी, मतलब कुत्ते की देखभाल के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे राइट क्या होना चाहिए? लुक आफ्टर। समझ गया मेरे भाई? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ये लो भाई, पांच नंबर करो भाई, पांच नंबर जो भी इसको करेगा उसको आशी राठौर, विनय चौधरी, रोहित जांगड़ा, बिसाइड जनरेटिंग रेवेन्यू टूरिज्म ब्रिंग्स अ ब्रेक फ्रॉम द सेरेमनी ऑफ डेली लाइफ, यहां पे इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? सेक्रूटिनी, सिंफनी, मोनोटोनी या कंपनी। सेक्रूटी का मतलब क्या हो गया हमें पता है, सेक्रूटिनी चेक करना, जांच पड़ताल के लिए यूज होता है। सिंफनी हमें ध्यान रखना, ये पी एच ओ एन कहीं पे भी आ जाए ना, ध्यान रखना ये बेटा, कहीं ना कहीं ध्यान रखना ये साउंड से रिलेटेड होता है, ये वर्ड किससे रिलेटेड होता है? साउंड होता है ना, फोनोलॉजी, फोन, उस चीज के लिए कहीं पे ये साउंड से रिलेटेड होता है। सिंफनी यानी कि सेम लगभग साउंड, तो यहाँ पे इसका लाइफ का तो कोई लेना देना है ही नहीं, यस और नो, ये भी बाहर हो गया। मोनोटोनी, मोनो का मतलब क्या हो गया? एक जैसा, मोनो का मतलब एक, टोन का मतलब एक जैसा ही जीवन उसमें चलता रहे, कंपनी यहाँ पे आएगी नहीं। यानी कि जो टूरिज्म है हमारे लिए ब्रेक नहीं, ब्रेक के साथ साथ में जो हमारा जीवन एक जैसा चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव लेकर के आता है, आई बात समझ में, ब्रेक हमें दिलवाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हाँ, मोनोटोनी। समझ आया भाई? चलो भाई, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये आपके सामने एक क्वेश्चन और भी है भाई, क्वेश्चन छह से लेकर के आठ तक, क्वेश्चन छह से लेकर के आठ तक एक बार करने का प्रयास करो। जो भी क्वेश्चन छह से आठ तक करेगा उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा भाई, क्वेश्चन छह से आठ तक करेगा उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। चले भाई, क्या निकालना बेटा? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि वो वर्ड ढूंढना है जिसकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। देखो असैसिनेशन में यहाँ पे डबल एस आता है, ध्यान रखना, इसका मतलब हत्या से होता है, कुरकुर हत्या से। और ये होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, यहाँ पे आई नहीं आएगा, परोपकारी के लिए होगा। और यहाँ पे क्या होगा भाई? हाँ, तो ये आई आता यहाँ पे, तो आपके पास केवल एक ही वर्ड बच गया, आई, बात समझ में। चलो भाई, टिकल्ड पिंक का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा इडियम का? टिकल्ड पिंक, फॉन्ड ऑफ पिंक, गुलाबी रंग का शौकीन, बड़ा ही सेंसिटिव टाइप का बंदा है, जैसे अपना बलश्याम कुछ भी कह दे तो बुरा मान जाता है वो, जिसको आराम से छेड़ा जाए। टिकल यानी के इसका मतलब क्या हो गया? वेरी प्लीज, यस और नो, बड़ा ही खुश। नेक्स्ट देखो, आठ नंबर, तो इसका क्या बताओगे? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ये तो कोई भी बता देगा एंटिक आएगा, है ना भाई, ये तो कोई भी बता देगा क्या आएगा इसमें? एंटिक, एंटिक कौन सी चीजों के लिए यूज होता है? जो मोर देन 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स से पहले प्रचलन में थी, 100 साल से पहले जो प्रचलन में थी, उन सब के लिए हम क्या बोलते हैं? एंटिक बोलते हैं। जैसे कल मैं देख रहा, पता नहीं किसने क्या लगा रखा था कि भाई कहां से हमारी जो है वो उसकी करेंसी की शुरुआत कहां से हुई थी? फुट्टी कोड़ी से। पहली जो हमारी करेंसी थी वो क्यों, कौन सी थी? फुट्टी कोड़ी थी। फुट्टी कोड़ी से कोड़ी आया, कोड़ी से फिर अलग अलग उन्होंने दमड़ी वमड़ी पाई वाई, ये कई सारे उन्होंने ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर आज हम रुपए पे पहुंचे हैं।
तो जिसके पास होता ना कई बार के भाई देखो हमारे पास अंग्रेजों के टाइम का है ना ब्रिटिश कंपनी उसमें लिखा होता था उस टाइम का वो जो सिक्के विक्के मिल जाते हैं तो क्या हो जाते सारे के सारे एंटिक होते हैं। या आप हरिद्वार में गए कभी? हरिद्वार, हरिद्वार में जब जाओगे तो वो जो था ना अपने गंगा माँ के ऊपर जो जो बने होते हैं जो पुल वुल से बने होते हैं उन पे बैठे रहते बहुत सारे सिक्के, पता नहीं वो नए होते हैं या मतलब बेचने के लिए उन्हीं सिक्कों को ले लेते हैं, वो एंटिक सिक्के वहां पे बेचते बहुत सारे, मुगल टाइम के भी सिक्के वो बेच देते हैं। हाँ ओएलएक्स पे तो भाई साहब गुस्से भी बेच देते बहुत सारे लोग, ओएलएक्स पे तो गुस्से भी मिल जाएंगे आपको। अब बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आया गुस्सा क्या होता है, क्या होता है गुस्सा? हाँ गुस्सा होता है डंकेक, गुस्सा इज डंकेक। यू नो व्हाट डू मीन बाय डंकेक? यू डोंट नो? हाँ यू मस्ट यूज डंकेक। हाँ ऑन संक्रांत, संक्रांत में डंकेक यूज करते हैं हाथ तापने के लिए। हाँ हाँ भाई एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है? देखो हाँ देखो एम्प का मतलब होता है वैसे देखा जाए इनहांस करने के लिए यूज होता है ना भाई, कोई चीज बढ़ाने के लिए। एम्प से बना ना एम्पलीफायर, एम से बना है एम्पलीफायर बना है, आया ना। एक ऐसे ही यानी कि कहीं ना कहीं बाहर निकाल उसके लिए होता है बढ़ाने के लिए। एक आपने देखा होगा एग्जाम्पल, यस और नो? और जब ये वर्ड ई एक्स कहीं पे लिखा हो तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है आउट, बाहर निकालना। आई बात समझ, जो भी तुम्हारे अंदर उसको बाहर निकालो। तो ये थोड़ा सा कई बार ये हम ये रूट वर्ड की भी क्लास हम रखें, को टेंशन मत नहीं करो। तो एम्पल का मतलब क्या हो गया? देखो इसका मतलब क्या होता है, बड़ी ही मुश्किल से कोई चीज हमें मिलती है, लिमिटेड हमें पता है सीमित में, और ये स्कार्स का तो हमें पता है स्कार्स से बना है स्कार्सली यानी कि नाव के बराबर। तो आपके सामने केवल एक ही चीज बच गई, कौन सी? सफिशियंट यानी कि जिसकी उपलब्धता काफी मात्रा में है। दस नंबर कलेक्टिव नाउन से भाई, कलेक्टिव नाउन से है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। बल शाम तेरा ध्यान नहीं है भाई, कलेक्टिव नाउन है मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है ये, बताओ। वेरी गुड, ये सारे झुंड हैं क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब झुंड के लिए है, ग्रुप के लिए। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? ग्रुप के लिए होगा, कलेक्शन, यस और नो? ये सारे के सारे झुंड है, अलग अलग है। ये होता है गर्ल्स के लिए, आई बात समझ में? ये होता है यंग बर्ड्स के लिए, और ये होता है फ्लॉक ऑफ शिप के लिए। फिर ये क्या हो गया? फिर मेरे पास मछली के लिए शोल। समझ में आया नहीं आया? ये गर्ल्स के लिए, ये यंग बर्ड्स के लिए हम लगा देते हैं, और ये किसके लिए बेटा? भेड़ बकरी के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, डन भाई। चलो 11 नंबर और बता दे एक बार, 11 नंबर जल्दी से, 11 नंबर इनविजिलेटर। वेरी गुड, ये तो पता ही है, वो साइन भी करवाता रहता है ना। हाँ इनविजिलेटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लो भाई 12 से लेकर के और 13 तक ये दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी करो भाई, ये दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। अब ये जो भी देख रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी मां की सौगंध है या तुम्हें तुम्हारे होने वाले पार्टनर की सौगंध है? अगर है तो तुम्हारे पार्टनर की सौगंध है। सारे के सारे लाइक करो और इसको शेयर करो, करो जल्दी करो जल्दी के जल्दी, एक लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। कौन से तुम्हारे पैसे? तुम भी आगे उसी में भाई, क्योंकि हाँ सारे आएंगे, क्योंकि हमने कामयाब सभी को करना भाई। किसी, मैंने क्या बताया, बेरोजगार किसी को नहीं रहने देंगे।
और इसी के बिहाफ पे कह रहा हूं, टेंशन नहीं रहने दूंगा किसी को भी। चलो भाई ध्यान दो। द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। कौन से वाले पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है? द मोस्ट ऑफ ऑल माय गोल्स आर टू लर्न इंग्लिश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ माय गोल्स आर टू लर्न, क्या है? इज टू लर्न इंग्लिश, वेरी गुड। क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लर्न इंग्लिश, ये एक ही चीज को डिनोट कर रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल एक ही है, तो इसके लिए एक के लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब मुझे चाहिए, ना कि प्लूरल वर्ब यहाँ पे चाहिए। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई तो 13 का बताओ जल्दी से, 13 का बता दो जल्दी से। ये तन्नु जो होती है क्लास में तो आती नहीं, और अब यहाँ पे अपना चेहरा दिखाने के लिए आ गई, पता नहीं कहाँ रहती है लड़की। चलो भाई, द कंडीशन ऑफ द हाउस हैड बीन सो deteriorated from the lack of maintenance that nobody wanted to purchase it. इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कोई ना चाहता इसे लेना। तो बताओ, had been so deteriorated की जगह क्या आ जाएगा? Had so deteriorated, इतनी खराब होगी, क्योंकि इसका मतलब तो यह है कि अपने आप हो गया, yes or no? तो ये हो गया, ये passive के लिए हो गया, क्योंकि was के लिए कहां पे लगा देंगे, और ये बीन भी पैसिव के लिए, ये अपने आप कंडीशन खराब हो जाती, कोई करता नहीं कंडीशन। 14 और 15 सबमिसिव का सिनोनिम बताना है बलश्याम, सबमिसिव का सिनोनिम बताना भाई। एडमेंट, ओबीडियंट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, इन दोनों का मतलब ये होता है अड़ियल या जिद्दी, इन दोनों का मतलब क्या हो गया? और सबमिसिव का तो मतलब यही हो गया भाई, जो सब में सबमर्ज हो जाए, सबमर्ज हो जाए यानी कि इंटरेक्ट हो जाए, यस और नो। एडमेंट का मतलब भी यही होता है मेरा, क्या? अटल के लिए, यानी कि कठोर हो, अटल के लिए। तो फिर मेरे पास एक ही बच गया, क्या? ओबीडियंट भाई, एक ओबीडियंट ही होता जो कहते ओके सर, यस सर, यस सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, ओके सर, तो ओबीडियंट। 15 नंबर बताओ जल्दी से, 15 नंबर, द न्यू प्रेजेंट हैज ब्रिंग इन मैनी रिफॉर्म्स, हैज ब्रिंग, सबसे पहले इसमें इंप्रूवमेंट तो होगा, यानी कि ये तो हम कह नहीं सकते कि नो इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट कहां होगा बेटा? क्योंकि हैज है, हैज के बाद में क्या चाहिए मुझे? V3 चाहिए, और इसका मतलब ना ये होगा, क्योंकि ये भी क्या मेरा V1 हो गया। अब बात आएगा ब्रॉट अबाउट या ब्रॉट आउट, बारे में है ना भाई, इसको बाहर थोड़ी लेके आया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्रॉट अबाउट। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्कम पक्का? मां कसम आग लगा दी जाए, 16 से 19 में, 16 से 19 चारों के चारों क्वेश्चन में आग लगा दो जल्दी से, चारों क्वेश्चन में आग लगा दो जल्दी से। बल शाम ये जीभ मत घुमा, वेरी गुड। ये दिया है हमारे आकाश ने उत्तर, शाबाश आकाश, आकाश ने और लकी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्या हो जाएगा इसका? फैक्चुअल। फिक्टिशियस का मतलब यही हमें पता ही है, कहीं ना कहीं ये फॉल्स, इमेजिनेटिव और सब्जेक्टिव, तो मतलब ही अलग हो गया, सब्जेक्टिव का तो मतलब ही यही हो गया, तो मेरे पास कौन सा होगा फिर इसका? क्योंकि एंटोनिम पूछा है, अगर इसका सिनोनिम पूछता तो सिनोनिम हमारा ये हो सकता था, लेकिन क्या पूछा है परवीन? एंटोनिम पूछा है। समझ में आए भाई? नेक्स्ट देखो भाई, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 का बता भाई, 17 का भी बीबी बता रहे, वेरी गुड, बहुत सारी बीबी ले ली तुमने तो भाई। हाँ, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, कौन सा आएगा? सी ब्लैंक, वाई आई हैड नोट। अब हमें पता ही है
ये कहीं ना कहीं हमें पता है, ये जब नरेशन करेंगे नरेशन से है, यस ओ नो। अगर मेरा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बीच में आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो ग्रांटेड ये कहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में तो आस्क आता है या इंक्वायर आता है, ये तो आस्क आएगा या इंक्वायर आएगा, यस और नो, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड है। हाँ है ना, तेरा ध्यान नहीं यार, अरे बोल ना, 18 का बता भाई, 18 का बता, तनु तेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, क्या कंट्रोल करूं मैं, कह रहे कि सर कंट्रोल, उल्टी बोलेगी तो फिर कंट्रोल भी करूं मैं ही, उल्टी तू बोले कंट्रोल मैं करूं। तो बता भाई इसका क्या होगा, नहीं हम तो ये बताओ, अ गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू कन्वे द पोल्यूशन, कन्वे करो भाई, कन्वे द पोल्यूशन, कंटेक्ट द पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंटेक्ट, लो भाई सौक लो, और वैसे भी अमित शाह अच्छी खासी मोटी ताजा है, वो तारे को ले जाएगा, नहीं उसका अमित शाह को नहीं, एक काम को केजरीवाल को दे दो, ये सारा का सारा हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए, कंट्रोल हो जाएगा, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, केजरीवाल ने अपनी खासी तो ठीक करवा ली, पूरी दिल्ली वाले कर दी भाई। 19 और 20, छोरे तेरा ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, अरे सवाल कर ले, ये शरीफ बालक है सारे। इनकरेक्टली बता भाई, तो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या आता है, एच आएगा, विशल में एच आता, बाकी सारे के सारे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो भाई, आई विश आई वर आई, चलो भाई आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई विश आई वर, ना के आई एम, आई विश, क्योंकि काश काश मैं स्कूल का प्रधानाचार्य होता, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मेरे पास 500 रुपए होते, आई विश सेकेंड फॉर्म, और ध्यान रखना हमेशा ये प्लूरल फॉर्म आएगी। अच्छा ओके, ये आ गया आपका क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट का तो तुझे तो पता नहीं होगा बालक, हमें कैसे सोल्व किया जाता, लेकिन हमारे सारे बालकों को पता है। हाँ ठीक है बालिके, क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व करते, क्या बताया था, सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्या लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन, फोर एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेशन, ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है, नथिंग एवरीथिंग एनीथिंग इज थिंग, प्रत्येक वस्तु, वेरी गुड। शुड ऑफन जस्ट, हैव बीन ऑफन जस्ट, आर ऑफन जस्ट, जस्ट ऑफन। 24 नंबर, एज व्हाइल वेयर व्हेन, सारे कंजंक्शन है, ये हमें पता चल जाता है, ये वर्ब होगी मेरी, ये कंजंक्शन होगी, ये वर्ब होगी, ये हमारी क्या होगी भाई, ये हमारी होगी क्या, ये एडजेक्टिव, यस ओ नो, और ये क्या होगी फिर हमारी, ये एक्सप्रेशंस हैं। चलो भाई पढ़ो भाई, यहां पे क्या लिखा हुआ है, राइटिंग इज अ फॉर्म ब्लैंक and neat handwriting is important when writing that will be read by someone else, we blank by the quality of our handwriting and blank our handwriting is poor, we blank to be lazy or
इनकॉम्पिटेंट, यानी कि ये आपकी लिखावट से संबंधित है कि आपकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, लिखावट होनी चाहिए प्रदीप मलिक जैसी। डन भाई। हाँ, आराम खोर मनीष हिमांशु एक कान पे टेक देना एक। चलो भाई, चलो भाई आ जाओ। पहले में बताओ है, राइटिंग इज ए फॉर्म इन एक्सप्रेशन, फॉर एक्सप्रेशन या ऑफ एक्सप्रेशन? ऑफ एक्सप्रेशन। राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यस और नो? तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। एंड नीट हैंडराइटिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन राइटिंग ब्लैंक, राइटिंग दैट विल बी रीड, राइटिंग नथिंग एवरीथिंग एनीथिंग, या तो यहां पे क्या होगा, एनीथिंग कुछ भी लिखे, हाँ, दैट विल बी रीड बाय समवन वी बाय द क्वालिटी ऑफ अवर हैंड राइटिंग वी आर जज्ड आएगा, वी आर ऑफन जज्ड, है ना भाई? यानी कि करने वाला कोई और है, पैसिव आएगा, वी आर जज्ड, यस और नो? और यहाँ पे ऑफन आ गया, तो ये हमारे किस चीज का बता रहा है? आज सुबह ही पढ़ रहे थे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और आर ऑफन जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट है, लेकिन एक्टिव की बजाय क्या, पैसिव है। हाँ, वी आर जज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ आवर हैंड राइटिंग एंड आवर हैंड राइटिंग इज पुअर व्हेन आवर हैंड राइटिंग इज पुअर वी टू बी लेजी और इनकॉम्पिटेंट वी अपीयर टू बी लेजी हो जाएगा। डन भाई। चलो भाई, ये था आज के सभा के 25 सवाल। अब देखो 25 सवाल, देखो इसमें जीके में और इंग्लिश में टाइम नहीं लगता, और ये सवाल भी देखो हमने 25 कर दिए, 25 सवालों की प्रैक्टिस हो गई। तो नेक्स्ट क्लास होएगी अब आपकी सोमवार को, कल आपकी क्लास नहीं होएगी, ये वाली मॉर्निंग में तो रहेगी, ठीक है भाई? नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट वो चीज, अगले सप्ताह 3 करेंगे, क्योंकि दो दो दिन में एक हो जाएगा, अगले सप्ताह 3 करेंगे, और तीन अब हर वीक तीन सेट हम करते चले जाएंगे, क्योंकि दो दिन में एक तो 6 दिन में 3, ठीक है भाई? तब तक के लिए सारे के सारे जितने भी सज्जन सज्जनी अपने घर बैठे टेस्ट के लिए तैयार हो, पता नहीं कौन मॉर्निंग वाले क्लास से दे दू, एडवांस मैथ का भी उसमें आ सकता है, ये जो नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया है वो मिक्स कर सकता हूँ, या इससे पहले हमने क्या कर रहे थे भाई, इसमें वो 2D वाला सिस्टम मैं ऐड कर सकता हूँ, रेशो वाला ऐड कर सकता हूँ, तो सारी क्लासेस देखते रहो, या अब ये जो चला इससे ऐड कर सकते हैं। आज मैंने सबको छोड़ दिया है, आगे से नहीं छोड़ूंगा, तो क्लासेस को देखते रहो, पढ़ते रहो, और अपना टारगेट बनाओ सरकारी नौकरी। और सभी से निवेदन है, अपने यारों से, भाइयों से, बहनों से, और दोस्तों से, दोस्तनियों से, जितने भी हैं, जो भी कुछ है, दाएं बाएं चैनल को मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये जो मुहिम हमने स्टार्ट की है कि अपने आसपास के एरिया के मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच हो सके, क्योंकि देखो हर किसी को अधिकार इस चीज का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।